ये बात हम सबको मालूम है कि एटीएस अधिकारी वीर सूर्यवंशी आ रहे हैं जल्द से जल्द, जिसका इंट्रोडक्शन सीन हमने सिम्बा फिल्म के अंदर देखा था। अगर आपको सिम्बा फिल्म का एंड क्रेडिट सीन याद होगा दोस्तों, तो इसमें एक वीर सूर्यवंशी करके ऑफिसर को दिखाते हैं जो कि हैं अक्षय कुमार साहब, और सूर्यवंशी फिल्म का नाम है। ये फिल्म जल्द आने वाली है। ऐसे में रोहित शेट्टी जी, फिल्म के डायरेक्टर, तीन बड़े खुलासे करते हैं फिल्म को लेकर। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि वो क्या खुलासे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, ये एक इंटरव्यू था जो कि एक बहुत बड़े लीडिंग न्यूज़ चैनल को दिया था। तो उसी दौरान रोहित शेट्टी से पूछा जाता है कि सबसे पहले आप ये बताइए कि वीर सूर्यवंशी क्या 2019 में रिलीज़ होगी। तो ऐसे में रोहित शेट्टी बोलते हैं, नहीं, इट्स वेरी टू अर्ली टू रिलीज़, अभी स्क्रिप्टिंग लेवल पर काम चल रहा है। पहला खुलासा डन, राइट। दूसरा खुलासा होता है कि क्या रोहित शेट्टी की फिल्म में सिम्बा, सिंघम और वीर सूर्यवंशी तीनों एक साथ दिखाई देंगे, यानी कि छोटा पैकेट में बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। ऐसे में रोहित शेट्टी साहब बोलते हैं, नहीं, अभी हमारी स्क्रिप्टिंग पर काम चल रहा है और जल्द से जल्द कुछ बड़ा खुलासा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं तीनों आएं और जब आएं तो तीनों ही धमाका कर दें। तीसरा खुलासा करते हैं रोहित शेट्टी, जब उनसे पूछा जाता है कि क्या फिल्म के अंदर पूजा हेगड़े, जिन्हें हम ऋतिक रोशन की मोहनजोदाड़ो में देख चुके हैं, वो इस फिल्म के अंदर है क्या, तो रोहित शेट्टी कहते हैं कि अभी कास्टिंग पर काम नहीं चल रहा है, अभी मेरा फोकस पूरी तरीके से फिल्म की स्क्रिप्टिंग पर है और स्क्रिप्टिंग लेवल पर ही हम फिल्म को आगे बढ़ा रहे हैं। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि रोहित शेट्टी सर की फिल्म में क्या तीनों, सिम्बा, सूर्यवंशी और सिंघम, तीनों एक साथ आएंगे या नहीं आएंगे, और साथ ही साथ हीरोइन कौन होगी, क्योंकि वो ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। आपको क्या कहना है इन तीन खुलासों को लेकर, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं, और बने रहिए मेरे साथ, राहुल भोज अपडेट करता रहेगा।